हेलो वालो, फैक्ट भाई यार, और मेरी मानो, आज ही कीबोर्ड्स को ऐसे इस्तेमाल करने के बदले ऐसे इस्तेमाल करो। क्यों? वेल, वो इसलिए क्योंकि कंटिन्यूअसली घंटे घंटों तक हाथों को 45 डिग्री पर रखना एक रिस्क है, जिससे आपकी हड्डियां वक्त के साथ नम हो जाएंगी। और इतिहास की माने तो इन स्टैंड्स का काम बस इतना था कि टाइपराइटर्स आसानी से टाइपराइटर को छोड़ कीबोर्ड पे स्विच कर सकें। बाकी इन स्टैंड्स का कोई यूजेज नहीं है, बस रिस्क के लिए एक नुकसान है। पर फायदे की चीज को भी दुनिया वाले अपने शौक के लिए कैसे अलग अलग ढंग में इस्तेमाल करते हैं, वो फैक्ट भाई बताएगा। तो इसका इस्तेमाल आज लोग कहाँ करते हैं, ये तो आप जानते हो। पर इसका इन्वेंशन मजे के लिए नहीं, हिस्टीरिया के इलाज के लिए हुआ था, जिसे आसान भाषा में आज सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। अब आज कोई इसका इलाज कराने डॉक्टर के पास नहीं जाता, पर एक जमाने में क्लिनिक के बाहर इसके इलाज के लिए भीड़ लगी रहती थी, जिससे डॉक्टर फ्रस्ट्रेटेड हो गए और उन्होंने इस डिवाइस का मास प्रोडक्शन कर पेशेंट के हाथों में थमा दिया। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, क्या आप भी रोज सुबह एक टेबल स्पून शहद खा रहे हो? तो सावधान, आप जहर खा रहे हो। जिससे बचने का तरीका जानने के लिए लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 1, कहानी दांत दांत की। क्या आप भी पूरे ब्रश में पेस्ट लगा के हॉरिजॉन्टली ब्रश करके रणवीर वाली गलती कर रहे हो? हाँ, ऑफ कोर्स कर ही रहे होगे, क्योंकि हमें ऐसी एड्स ने पेस्ट का ढेर करना सिखाया है, जिसके बाद मॉम डैड ने सिखाया कि कोने कोने की सफाई करने के लिए हॉरिजॉन्टली ब्रश को घिसना चाहिए। पर ना बाबा ना, वहीं रुक जाओ, क्योंकि असल फैक्ट ये है कि हमारे दांतों को टूथपेस्ट की चादर की नहीं, बस चने के साइज जितने पेस्ट की जरूरत होती है। और हॉरिजॉन्टली ब्रश करने से कोने की तो सफाई हो जाएगी, परंतु गम लाइन और पीछे के दांतों की सफाई रह जाएगी, जिससे होगा गम इन्फेक्शन और डिजीजेस। सो फैक्ट भाई की मानो और रणवीर ना बनो, ब्रश को 45 डिग्री के एंगल पे पकड़ो और उसके बाद ही ब्रश करो। नंबर 2, रोल का होल। डब्बे में डब्बा, डब्बे में एल्युमिनियम फॉइल, पर जैसे ही आप डब्बे से फॉइल को निकालने जाते हो, कुछ ऐसा हो जाता है, राइट? लेकिन बस अब और नहीं, हर साल 7.9 बिलियन की आबादी के लिए 7 बिलियन जितने एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर्स की मर्जी अब नहीं चलेगी। यस, क्योंकि आज फैक्ट भाई आपको एल्युमिनियम फॉइल के डब्बे को सही तरीके से यूज करना सिखाएगा। तो स्टेप नंबर 1, फॉइल के डब्बे से फॉइल निकालने से पहले डब्बे को टेढ़ा करो। स्टेप नंबर 2, वहां दिखाई दे रहे प्रेस हेयर को अंदर की तरफ प्रेस कर दो, एंड यू आर डन। हो गया रोल को फंसाने वाला होल। अब जब जी चाहे फॉइल निकालो, वो भी रोल को डब्बे से बाहर निकाले बिना। नंबर 3, एक्सक्यूज द जूस। देखो भैया, दुनिया चाहे चांद पे ही क्यों ना पहुंच जाए, कुछ आदतें कभी नहीं सुधरती। लाइक टेट्रा पैक से जूस निकालने की बात कर लो, इस तरह जूस निकालते वक्त हजारों बार जूस गिरा है, लेकिन क्या हम कभी सुधरे? अरे फैक्ट भाई की मानो और सुधर जाओ बाबा, मेरी ना सही साइंस की ही सुन लो। क्योंकि नरेस का कहना है कि जब टेट्रा पैक इस पोजीशन पे आता है, तब होल और जूस के बीच प्रेशर ही नहीं रहता, वैक्यूम क्रिएट होता है, जूस पे प्रेशर पड़ता है, एंड उसी वजह से जूस बिना किसी डर के गड़गड़ की आवाज करते हुए डगमगाते हुए नीचे गिरता है। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, बॉटल को ऐसे पकड़ा जाए। ऐसे करने से होल और जूस के बीच एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जूस पे ना प्रेशर आएगा, ना वो घबराएगा और ना ही जूस ग्लास से बाहर आएगा। इट्स दैट सिंपल। कितना आसान है ना। नंबर 4, ईयरफोन वाला जादू। कोई झूठ नहीं बोलेगा, फैक्ट भाई जानता है कि इस हमेशा उलझाने वाली पहेली के शिकार आप भी हुए हैं और होंगे ही, क्योंकि अब तक आपको ईयरफोन्स को सुलझाए रखने वाला 1-2-3 का फार्मूला जो नहीं आता था। कोई ना, मैं सिखा देता हूँ। ईयरफोन को उंगलियों पर मोड़ो और फिर चाहे उसके एंड को इस तरह फंसाओ या ईयरबड से गांठ लगाओ, मर्जी आपकी। और ईयरफोन की बात निकली है तो ये फ्री एडवाइस भी लेते जाओ कि मैं आपको थोड़ी सी फ्री एडवाइस देने वाला हूं। बोले तो अगर आपके ईयरफोन सीधे सीधे कान में लगाने पर नहीं टिकते, उनका बार बार गिरने का मन करता है, तो ईयरफोन्स को ऐसे टेढ़ा कर दो, इसके बाद आप भागो या उड़ो, आपके ईयरफोन्स कान से नहीं गिरेंगे। नंबर 5, बिन तार के वार। कढ़ाई और दूध का बर्तन, इनकी चिकनाई तो किस किस के ही निकलेगी। और ये आप कैसे घिसोगे, तार से? वेल सॉरी टू से, बट ये तरीका ही गलत है। फैक्ट भाई के होते हुए आपको घिसने विसने का कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, बस बर्तन लो, उसमें पानी भरो, उसमें 1 टेबल स्पून विनेगर डालो और बर्तन को 5 मिनट तक चढ़ा दो गैस पे, और आबरा का डाबरा बिन तार के ही सब साफ हो जाए। छू देगा फैक्ट भाई नोज जादू मैन। ना बाबा, कोई जादू टोना नहीं, पूरा कमाल सिंपल से साइंस का है। देखो, विनेगर एक एसिड होता है और एसिड अपने
केमिकल चार्ज की मदद से स्टेंस को अपनी तरफ खींच लेता है। मानो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींच रहा हो और टन टन स्टेंस आर गॉन। नंबर 6, जूते का लूप होल। पर आप जानते हो जूते के एंडवा के लूप की कहानी? अगर नहीं तो बधाई हो, बाकी प्रोडक्ट्स की तरह आप ई का भी गलत इस्तेमाल करते हो, या शायद हम कहूं कि इस्तेमाल ही नहीं करे हो। मतलब इस लूप बा का मसला बस इतना है कि जूता बनाने वाली कंपनी जानती है पैर में जूता चढ़ाना मुश्किल ही नहीं, कभी कभी नामुमकिन काम बन जाता है। और बस यही के इलाज के लिए कंपनियां ने लगा दिया जूते के पीछे लूप, ताकि एक ही बार में आप जूता चढ़ा के बन सको कूलेस्ट इन योर ग्रुप। PS, आप इन जूतों पर लगे लूपवा का इस्तेमाल रस्सी से इनको बांध कर टांगने के लिए भी कर सकते हो। नंबर 7, वीलो क्लॉक। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। फैक भाई को डर है कि आप फिर से स्टीयरिंग व्हील को गलत ना पकड़ लो कहीं। डर क्या, भरोसा है कि आप गलत ही पकड़ रहे होगे। लेट मी गेस, आप स्टीयरिंग व्हील पे अपने हाथ 10 o'clock एंड 4 o'clock पे रखते होगे, सो दैट इन लाइंस पे अपने हाथों को रेस्ट पे रख सको, है कि नहीं? बट बाबू मुशाय, दिस इज रॉन्ग। ना, बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में आपको अपने हाथ 9 o'clock एंड 3 o'clock पर रखने का होता है, सो दैट भगवान ना करे पर अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो एयर बैग्स बिना किसी बैरियर के फुल फोर्स में बाहर निकल सकें और आपको बचा लें। बच गया साला। रही बात हाथों के सपोर्ट की, वो तो भैया ऐसे भी कर सकते हो आप। नंबर 8, एक टेप चार काम। एक बाम चार काम तो सुना था, और मूव की गर्माहट दिलाए लंबा। प्राइवेट एक टेप मीजर और चार काम शायद ही सुनाओ, क्योंकि टेप मीजर के ये इस्तेमाल खुद कारपेंटर चाचा भी नहीं जानते हैं। जैसे यूज नंबर 1, इस मेटल पार्ट को हुक की तरह यूज करना सबको आता है, बट अगर हुक करने के लिए कुछ ना हो तो बस इस छोटे स्लॉट का यूज कुछ ऐसे कर लो। यूज नंबर 2, मीजरिंग करते वक्त पेन पेंसिल नहीं है तो हुक के एंड पे मार्किंग कर लो। यूज नंबर 3, ट्रू जीरो। बोले तो ये हिलता हुआ मेटल पार्ट जो 1/16 inch वाइड होता है, वो ऐसा इसलिए है ताकि आप मेटल पार्ट को किसी चीज पर पुल करके नापो या पुश करके आपको एक्यूरेट मेजर मिले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज नंबर 4, किसी चीज को अंदर से ऐसे नापो, फिर टेप पर लिखे उसके इंचेस को उसमें ऐड कर दो, यानी 19 inches + 3 inches हो गए 22 inches। नंबर 9, यमी हनी। डाबर, सफोला, जंडू या फिर पतंजलि, किसी को भी देख लो, इन सब जगह बस दो चीजें कॉमन है कि शहद को ग्लास जार या प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर किया गया है और चम्मच के बदले हनी डिपर यूज किया गया है। क्या लगता है, क्या ये सब कुछ बस प्रोडक्ट और एड को सुंदर दिखाने के लिए किया हुआ है? वेल नहीं, इन कंपनीज को ये बात बड़ी अच्छी तरह से पता है कि हनी के एसिड्स मेटल के कॉन्टेक्ट में आते ही ऑक्सीडेशन प्रमोट करेंगे, जिससे होगा क्या कि शहद में एडिशनल कंटेंट ऑफ मेटल्स आ जाएंगे, जिसके कारण हनी का न्यूट्रिशनल वैल्यू घट जाएगा और स्टमक सिकनेस एंड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हनी मेटल के कांटेक्ट में आते ही अपने फ्रेशनेस से हाथ धो बैठेगा। इसीलिए फैक्ट भाई की मानो और ग्लास जार एंड हनी डिपर का इस्तेमाल करो, अगर ना हो तो विनी द पू बन जाओ। नंबर 10, केक कटिंग। पार्टी हो, शादी हो, कोई त्योहार या हो सगाई, हर खुशी अब इंडिया भी केक के साथ मनाता है। लेकिन किंतु परंतु, क्या इंडिया केक को काटने का सही तरीका आजमाता है? वेल नहीं, खुद ही सोचो। हैप्पी बर्थडे टू यू पर जब भी केक कटिंग होती है तो केक कुछ ऐसे ही काटा जाता है ना? पर इस तरह केक कटिंग से ना सिर्फ आप अपने गेस्ट को इक्वल पोर्शन सर्व करने से वंचित रहते हो, पर ऐसी कटिंग केक के मॉइस्ट पार्ट को एयर एक्सपोज करती है, जिससे केक जल्दी खराब होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वेल, केक को ऐसे काटना, इससे आप गेस्ट में इक्वल पोर्शन बांट सकते हो और बचा हुआ केक इस तरह रखने से केक ज्यादा समय तक फ्रेश भी रहता है। नंबर 11, सफर का सही अंदाज। आप चाहे सफर ट्रेन से हो या बस से, आपने वहाँ सीट्स पे हार्डेस्ट कवर को तो जरूर नोटिस किया होगा। हाँ, वही कवर्स जिसको हमारे सर के तेल से सीट को बचाने के लिए सीट पे पहनाया जाता है। बट टू बी ऑनेस्ट, ट्रैवल एजेंसीज उतने भी नहीं बुरे होते हैं बाबा, उन्होंने वो आप ही के आराम के लिए वहाँ सेट किया है, सो दैट जब कभी भी सफर के वक्त आपको नींद आए तब आप अपने सर को उस कवर में डाल आराम कर सको। अब इससे दो फायदे होंगे, पहला, ब्रेक एंड टर्न्स की वजह से बार बार आपका सर मेरी गो राउंड का सफर करते हुए किसी अनजान के कंधे पे नहीं गिरेगा। सेकेंडली, आंखें कवर में होंगी, यानी उन्हें रोशनी नहीं मिलेगी, अंधेरा होगा, जिससे आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी, है ना कमाल की बात? सो मेरे प्यारे दोस्तों, अगली बार सफर करने के दौरान इन हेडरेस्ट कवर्स का पूर्ण और सही इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलना, और ऐसे करते वक्त अगर आप पे कोई हंसे तो उसको मेरा ये वीडियो शेयर कर देना, सो दैट उसे भी पता चल जाए कि आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं, सही है। और अब आपकी बारी है मुझे ये बताने की कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट को अलग या गलत
तक इस्तेमाल कर रहे थे। यही नहीं, क्या इन प्रोडक्ट्स को यूज करने का कोई दूसरा तरीका भी है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।